तुम सबको तो पता ही है, जब हम 3 महीने के थे तब मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे थे, हम एक साथ उठते बैठते खेलते कूदते खाते पीते और फिर संडे का इंतजार करते। सर पर तेल लगाकर मुंह पर पाउडर लगाकर नहा धोकर राजा बाबू बनकर लोगों के दिए हुए कपड़े पहनकर हम अनाथ आश्रम के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन लोग बच्चे अडॉप्ट करने आते थे। बहुत सारे बच्चों को उनके घर मिल गए लेकिन मुझे कोई नहीं लेकर गया, क्योंकि ना ही मेरे मां बाप को मेरी जरूरत थी ना ही किसी और को। जब उस दिन मोबाइल फोन के डब्बों में से कॉन्डम के पैकेट निकले ना, तो मुझे वही संडे याद आया, वही बच्चे याद आए जिनकी आंखों में उम्मीद थी। अगर लोग कॉन्डम खरीद पाते ना, तो शायद इस दुनिया में अनाथ बच्चों की संख्या कम होती। और बात सिर्फ उन बच्चों की नहीं है, उन तमाम लोगों की जिंदगी बच सकती थी जिन्हें HIV जैसी गंभीर बीमारी लगी। हमें लगा चलो इसे बेचते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, 2-3 पैसे कमा लेंगे। लेकिन साला इस अच्छे काम की शुरुआत गलत थी। आखिर चोरी तो चोरी होती है ना, सजा तो हमको मिलनी ही थी। हमें इस बात का गम नहीं है कि हम जेल में हैं, हमें साला इस बात का गम है कि हम तुमसे झूठ बोल बैठे। I am really sorry सिमरन। Thank you.